आप देख रहे हैं ब्रज भूमि न्यूज, ब्रज की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन का माध्यम ब्रज भूमि न्यूज। और ये एक भगवान के भजन का प्रताप है। पुरानी परंपरा से जो हिरण्यकश्यपु का बेटा प्रहलाद था, उसको उसकी बुआ होलिका अपनी गोदी में लेकर मारने के लिए बैठ गई थी। उसको वरदान था शीतल चीर का, तो भगवान की भक्ति के कारण से शीतल चीर प्रहलाद जी के ऊपर आ गया और होलिका का दहन हो गया। तो उसी समय से ये परंपरा आज भी जीवंत है। इसका दर्शन करने के लिए सब देश विदेश से लोग आते हैं और हम चाहते हैं कि इसका ऐसे ही आप लोगों के द्वारा भी देश विदेश में प्रचार प्रसार हो और हमारे ब्रज की संस्कृति को लोग जाने, हिंदू धर्म को लोग जाने कि भगवान के भजन में हमारे मंत्रों में कितनी शक्ति है। ये इतनी दहकती हुई आग से और एक आदमी का भक्त का निकल जाना और उसका एक रोवां तक नहीं जलना, ये एक भगवान के भजन का ही प्रताप है। जैसे रामचरितमानस में कहा कि मसकहीं करें विरंची सम अजहीं मसकते हीन, भगवान चाहे तो मच्छर को भी ब्रह्मा बना दें और वो चाहे तो और ब्रह्मा को मच्छर बना दें। होलिका में आग लगने का, यहाँ पर होलिका में अग्नि प्रवाहित की जा रही है, साथ ही पंडा पूजा पाठ के बाद जो है परिक्रमा कर रहे हैं और आग प्रज्वलित हो चुकी है। लोग जिसके लिए घंटों से यहाँ पे इंतजार कर रहे थे, लोगों के इंतजार का वो समय आ गया है और लोगों जिस क्षण की प्रतीक्षा में थे वो क्षण आ चुका है। होलिका में आग लगा दी गई है। यहाँ पे पंडा जो है होलिका जलती हुई होलिका के बीचों बीच से होकर निकलते हैं। मैं जी वृंदावन से आया हूँ। वैसे तो जी मेरा जन्म स्थान इसके आसपास ही है, लेकिन मेरे साथ में हिमाचल से श्रद्धालु आए हैं दर्शन करने के लिए, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये आपने भी देखा, सबने देखा, इतनी दहकती हुई अग्नि से और एक साधारण भक्त का निकल जाना, तो ये केवल उनके भजन का ही प्रताप है। कहाँ से आई मैम? ऊना हिमाचल। हिमाचल से आई है। आपको कैसे पता चला यहाँ के बारे में? हम वृंदावन आए हुए हैं होली पर्व पे, फिर हमें महाराज के द्वारा पता चला कि यहाँ ये अग्नि दहन होगा महलाज जी का, तो हम फिर इनके जरिए हम यहाँ आए। कैसा लगा आपको यहाँ देखना? बहुत अच्छा लगा। हम भी ऊना से आए हैं, हिमाचल से। हमने ये कथाएं छोटे होते सुनी थी, लेकिन आज हकीकत में देख के बहुत अच्छा लगा हमें। और हमें अपनी संस्कृति पे गर्व है कि हम भारत देश में पैदा हुए हैं। इससे पहले और भी इस तरह का आपने देखा था? ऐसा नहीं, सुना ही था। मैंने बोला ना, सुना ही था हमने छोटे होते, लेकिन आज देख के हमें बड़ा गर्व हो रहा है कि हम भारतवासी हैं। कहाँ से आए महाराज? हम अयोध्या से आए हुए हैं। फिलहाल अभी 18 साल से हैं जाप में, राधा राधी मंदिर पे रहते हैं और आज फॉरेन के ये पंडा देखने आए हुए हैं। तो इसके बारे में आपको पहले से पता था या कैसे? नहीं, कई सालों से हमने सुन रखा था, जाप रहते हैं हम कोकलावन के पास में। आज दर्शन करने का मौका मिला तो आज आ गए हम लोग। हजारों सालों से परंपरा, जब से प्रहलाद हमारे ऋषि जो हुए, से प्रहलाद हिरण्यकश्यप के पुत्र, उनकी जो बुआ थी होलिका जी, उन्होंने उनका यानी कि अबोध बस कहने का मतलब अज्ञान रूप से उनका वध करना चाहती थी, होली में बैठा कर उनको जलाना चाहती थी, लेकिन वो बच गई।
उस चीज को हम देखने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। ये परंपरा कब से चली आ रही है? हालन में ये परंपरा 500 सालों से चली आ रही है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी यही परिवार इस रस्म को नहीं, ये यहाँ पे पंचायत जुड़ती है 12 गांवों की, उन पंचायत में से जो सदस्य चुना जाता है उसको हम आगे के लिए हम पढ़ने के लिए प्रस्तुत करते हैं। वो 2 महीने के लिए वो अपनी तपस्या करता है कि मैं अग्नि में अगर पार कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। उसके होने के बाद हम उसकी तपस्या होती है कि कोई परीक्षा होती है या कोई उनको अभ्यास करना पड़ता है क्या होता उनको है? तपस्या भी होती है और अभ्यास भी करना पड़ता है कि मैं पार हो सकता हूँ नहीं हो सकता। सक्षम शरीर होना चाहिए, उसके लिए हमको तपस्या और तप और प्रैक्टिस करनी होती है नियमित शरीर के लिए। यहाँ के युवा इस चीज़ से काफ़ी जागरूक हुए हैं। हम लोग देखते हैं कि भगवान ढूंढने के लिए हम कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। आज का ऐसा टाइम आ रहा है कोई भी हमारे धर्म पे आवाज़ उठा देता है, कोई भी कह देता है भगवान है कहाँ। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ अगर आपको भगवान देखना है तो फालिन कोसी कला का जो गांव है यहाँ कर आप देखें, यहाँ आपको साक्षात भगवान देख सकता है। मैं आपसे पूछता हूँ एक आदमी एक अग्नि के पास कितनी देर तक खड़ा रख सकता है? लेकिन यहाँ से एक बड़े कुंड में कर एक आदमी निकल के जाता और भाई साहब उसका बाल भी बांका नहीं होता। इस चीज़ से हमें अपने भगवान पे अपने धर्म पे हमें गर्व है, हमें कैसे देश में। लेकिन एक बात और है, आजकल लोग ज़्यादातर धर्म से विभिष्ट होते जा रहे हैं, भगवान को छोड़कर हम लोग किसी और ही दिशा में जाते हैं। लेकिन एक सच्ची भक्ति चाहिए तो भाई वो हमारे दिल में होती है। अच्छा करना, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी का हक नहीं खाना, वो सच्चा भगवान है। श्री राधे। ये बहुत दिन से ही चली आ रही है परंपरा, बहुत पुरानी परंपरा है। यहाँ प्रहलाद जी के नाम से ही बात पंडा जी निकलते हैं जी। और जलती हुई अग्नि में करे बात है, काफ़ी कंडे और बार काफ़ी रहती है यहाँ पे। काफ़ी जब ये था वहाँ पे नज़ारा जब पंडा निकल रहे थे उसको देखने के लिए काफ़ी बहुत सारी बहुत कहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं? बहुत दूर दूर से, देश विदेशों से लोग यहाँ आकर के पंडे को देखते हैं और अच्छा, यात्रा भी आती हैं। अच्छा, हाँ ये जो यहाँ से निकलते हैं पंडा आग में से, तो वो कोई परंपरागत परिवार के निश्चित लोग ही निकलते हैं या फिर कोई भी चुना जाता है? एक मतलब कई परिवार हैं पंडान के अलग से हमारे यहाँ, वो उन परिवार में से ही पंडा जी निकलते हैं। मुक्ति कहे गोपाल सोंप, मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। चारों धामों से निराला ब्रज धाम और उसकी विरासत, संस्कृति, खान पान, रहन सहन का जीवंत माध्यम ब्रजभूमि न्यूज यूट्यूब पर, जहां नित्य ठाकुर दर्शन, संत महंतों के आशीष वचन, भावपूर्ण भजन, ठाकुर रासलीला के नित्य दर्शन, आध्यात्म पर चर्चा और आपकी जिज्ञासा के उत्तर, साथ ही मुख्य मुख्य आयोजनों का सीधा प्रसारण यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप जुड़ें ब्रजभूमि न्यूज से और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आनंद लें ब्रजभूमि न्यूज का।